हेलो एवरीवन, वेलकम टू बटर का फूड रेसिपीज। आजकल नींबू बहुत ज़्यादा पाए जा रहे हैं, तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि नींबू का अचार डालकर रख लिया जाए। तो आज की हमारी जो रेसिपी है वो है नींबू के अचार की रेसिपी। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरीके से नींबू का अचार डालें कि आपका नींबू का अचार जो है वो काफ़ी लंबे समय तक चले, जल्दी ख़राब ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं नींबू के अचार की रेसिपी। यहाँ मैंने करीब 8 से 9 नींबू लिए हैं और इन्हें मैं अच्छे से साफ़ करके, साफ़ पानी से धोकर छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लूँगी और उसके बाद करीब 1 से 1.5 चम्मच नमक डालकर 4 दिन के लिए ऐसे ही रखे रहने दूँगी। ये देखिए, मैंने 1 चम्मच नमक लिया है, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में कट करना है और फिर इस तरीके से इसको मैं स्ट्रेन कर लूँगी। 4 दिन के बाद जितनी भी खटास होगी, जो एक्स्ट्रा खटास है, वो सारी इस तरीके से इस नींबू में से निकल चुकी है। इससे हमारे नींबू के अचार में जो खटास है वो बिल्कुल बैलेंस्ड रहेगी। अब मैंने सारे नींबू को इस तरीके से एक मिक्सिंग बाउल में ट्रांसफ़र कर दिया है और अब देख लेते हैं जो जो मसाले हमें लगेंगे जिन्हें हमने ड्राई रोस्ट करना है। यहाँ है मेरे पास 15 से 20 साबुत काली मिर्च और 1 टीस्पून अजवाइन है, 1 टीस्पून जीरा है और 1.5 टीस्पून सौंफ है, 4 मोटी इलायची हैं और 1 टीस्पून राई है। और पाउडर मसालों में हमारे पास है 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, तीखी वाली लाल मिर्च है ये, और 1.5 टीस्पून काला नमक है। इन्हें हम ड्राई रोस्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये ड्राई स्पाइसेस हैं जो हमारे पास इस तरीके से, ये होल स्पाइसेस हैं। इन्हें अब हम बिल्कुल सेम फ्लेम पर इनको ड्राई रोस्ट कर लेंगे, आँच बिल्कुल धीमी रखेंगे। और जब ये हमारी राई चटकने लग जाएगी वो हमारा इंडिकेटर होगा कि हमें उसके बाद से गैस को ऑफ कर देना है। यहाँ पर मैं स्पैचुला की हेल्प से बढ़िया से सभी इंग्रेडिएंट्स को इस तरह से चला लूँगी और लगातार चलाते जाएंगे ताकि कोई एक इंग्रेडिएंट ज़्यादा ना जल जाए। सभी इंग्रेडिएंट को बराबर ड्राई रोस्ट करना है, बहुत ही ईजी मेथड है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं राई चटक चुकी है और जो हमारे पास ये काली इलायची है मोटी वाली, इसके अब मैं इस तरीके से नाइफ़ की हेल्प से बीज निकाल लूँगी। और जो हमारा तवा पैन है वो अभी गर्म ही है तो उनको भी मैं इसके ऊपर बंद फ्लेम पर ही थोड़ा सा सेक लगा लूँगी, यानी कि हल्का सा सौटे कर लूँगी ताकि इसमें कोई मॉइस्चर ना रहे। और फिर उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा कि हम इसको ग्राइंड करेंगे एक ग्राइंडर में डालकर। तो यहाँ पर मैंने बीज को भी हल्का हल्का सौटे कर लिया है बंद गैस पर ही और अब मैं इनको एक मिक्सिंग जार में ट्रांसफ़र कर रही हूँ और उसके बाद इसको ब्लेंड कर लूँगी। ये देखिए, ये दरदरा मैंने पाउडर बना लिया है, ना ज़्यादा बारीक है और ना मोटा है, बिल्कुल दरदरा सा है। अब हम सबसे पहले लाल मिर्च और काला नमक जो हमने लिया है उसको डाल देंगे और उसके बाद जो हमने मसाला रेडी किया है उसको डाल देंगे नींबू के अंदर। और यहाँ पर मैंने 2 चुटकी हींग डाल दी है, बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, चाहें तो आप स्किप कर सकते हैं, बहुत हाजमेदार बनता है तो मैं रिकमेंड करूंगी कि आप डालें, अगर आपके पास ना हो तो उस केस में स्किप कर दें। और यहाँ पर मैंने बिल्कुल ऑप्शनल इंग्रेडिएंट 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डाला है, ये भी बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आप चाहते हैं, अगर आपको काले रंग में अचार पसंद है तो आप इसको स्किप कर दें, अगर आपको पीला पीला अच्छा लगता है तो आप इसको ज़रूर से ऐड करें। और इसे अब मैं अच्छे से मिला के नींबू के साथ इस तरीके से एक जार में भर के रख लूँगी। आप कोई भी जार ले सकते हैं, कांच का जार ले सकते हैं, प्लास्टिक का ले सकते हैं और फिर इस तरीके से शेक कर देंगे। और ऐसे ही हम इसे 3 से 4 दिन तक धूप में रख के धूप लगा लेंगे इसको और शेक कर लेंगे सुबह शाम, 2-3 टाइम दिन में शेक कर लेंगे। और आप देखेंगे 4 से 5 दिन के बाद आपका अचार बिल्कुल तैयार है और ये अचार बहुत जल्दी बन जाता है और ये जल्दी ख़राब भी नहीं होता। बताइएगा आपको रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसे शेयर करें सभी के साथ। और अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं या फिर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाएं ताकि अगली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। मिलती हूँ अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।